हेलो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड लेसन ऑफ द नाइन्थ क्लास इंग्लिश बुक द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल थिंक दैट हिज फादर इज अ वेरी बैड मैन। सी ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट शी थिंक अबाउट हर फादर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी अफ्रेड एंड अवॉइडेड। छोटी बच्ची के लिए उसका पिता जो था वो एक डरावना और नकारने के व्यक्ति था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह जब वो काम करने के लिए जाता था तो वो उसे उसके कमरे में आता, उसको प्यार करता। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद, और उसके बदले में वो कहती गुड बॉय फादर, पिताजी गुड बॉय। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब वो बाहर चला जाता था रोड के ऊपर, उसकी गाड़ी की कैरिज की आवाज़ जब दूर जाती सुनाई देती तो उसको बहुत रिलीफ, बहुत आराम मिलता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब शाम को वापस आता तो वो सीढ़ियों के किनारे खड़ी हो जाती और उसकी आवाज़ सुनती, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम, मेरी चाय ड्राॅइंग रूम में ले आओ। हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी एनी पेपर आउट देयर, माँ बाहर जाकर देखो कोई पेपर आया नहीं आया। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें ला कर दो। केजा मदर वुड कॉल टू हर, केजा उसको बुलाती, मदर केजा की माँ उसको कहती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स बूट, यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे जाओ और पिता के जूतों को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश अपॉन द ड्रॉइंग रूम डोर। वो धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती और उससे भी धीरे धीरे हॉल को क्रॉस करती और धीरे से ड्राॅइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। इस समय तक वो अपने चश्मे पहन चुका होता था और उसको इतने डरावने ढंग से देखता था और यही वजह थी कि वो लड़की उससे डरती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड। केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो इफ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम नहीं जानती, यदि तुम ऐसे हकलाती रही तो माँ तुम्हें जल्दी ही डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। सी नेवर स्टार्ट विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। वह दूसरे लोगों के सामने इस तरह नहीं हकलाती थी और उसने हकलाना बिल्कुल त्याग दिया था। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। किंतु अपने पिता के सामने, यही वजह थी कि वो बहुत कोशिश करती थी और हकलकती थी, शब्दों को पूरा नहीं बोल पाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट, तुम इतनी डरी हुई, इतनी बकवास क्यों दिखाई देती हो। मदर आई विश यू ओर टू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को सिखाओ ये 24 घंटे आत्महत्या करने के लिए तैयार रहती है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया इस मेरे चाय के कप को वापिस सावधानी से टेबल पर रख दो। ये बात सो बिग, वह कितना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशल हिज माउथ व्हेन ही यॉन, उसके हाथ, उसका गर्दन और खास तौर की उसका मुंह जब वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज थिंकिंग अबाउट ए जायंट, उसके बारे में जब वो सोचती थी अकेले में तो वो ऐसा सोचती थी कि शायद वो कोई दैत्य है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday को उसकी दादी उसको कहती थी drawing room में जाओ, अपने माँ और पिता के साथ बैठकर बातचीत करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. जब वो drawing room में जाती तो देखती कि माँ तो पढ़ रही होती है और पिता जो है सोफे पर लंबा पसरा होता है। His handkerchief on his face, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता है। His feet on one of the best cushions. स्लिपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उसके पैर जो हैं एक बढ़िया से कुशन के ऊपर होते हैं, तकिए के ऊपर होते हैं, वह सो रहा होता है और खरट पाड़ रहा होता है। सी सैट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम देन लुकड एट हर। वह स्टूल पर बैठी रहती और उसको तब तक देखती रहती जब तक वो उठता और अपनी अंगड़ाइयाँ लेता और उससे पूछता कि टाइम क्या हुआ है। जब वो उसकी तरफ देखती तब, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घुरा करो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन जब उसे जुकाम हो गया तो उसे अंदर रखा गया। हर ग्रांड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक,
उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले वीक में तेरे पिता का बर्थडे है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको सुझाया कि तुम एक अच्छा सा पिन कुशन बनाओ, एक सुंदर से येलो रंग का सिल्क का बनाओ और उसे गिफ्ट करो। उसकी दादी ने उसको आइडिया दिया। लेबर स्लीव विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच द थ्री साइड्स। कठिन मेहनत से डबल कॉटन को उसने तीन साइड से सील दिया, बट वॉट टू फिल इट विद, किंतु उसको भरा किससे जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। ये सवाल था, बड़ा सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ बाहर बाग में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक अप फॉर स्क्रैप्स। वह माँ के बेडरूम तक गई घूमते हुए चेकते हुए, और कुछ खाली पड़ी बेकार पड़ी चीज़ों को ढूंढ रही थी। ऑन द टेबल बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर्स, और वहाँ उसे जो बेड की टेबल थी उसके ऊपर उसे कुछ अच्छी पड़ी फाइन पेपर की शीटें मिल गई। गदर दैम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर दैम इन टू द टिनी पीसीस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एंड स्टफ्ड हर केस दैन शिव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसको उसके अंदर भर दिया उसने, और उसको चारों तरफ से सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस समय रात में बहुत बड़ा हंगामा और चीख चिल्लाहट हुई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन लॉस्ट। पिता के जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो बड़ी स्पीच थी वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से सवाल किए गए। फाइनली मदर केम इन टू केजाज रूम। अंत में माँ केजा के रूम में आई। केजा आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजा मैं सोचती हूँ शायद तुमने हमारे कमरे में टेबल के ऊपर कुछ पेपर नहीं देखे थे। ओ यस सी सेड, हाँ बिल्कुल। आई टोर दम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीन मदर केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या, माँ चिल्लाई, अभी और इसी समय सीधे सीधे डाइनिंग रूम में आओ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।